सर्जन मौजूद हैं यहाँ पे, सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के, इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि सर थोड़ा सा सिवान के सिविल सर्जन है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर अभी क्या कुछ स्थिति है यहाँ पे सिवान में। सिवान की स्थिति तो कंट्रोल में है जी। कल एक मरीज पॉजिटिव मिला हुआ था, अब तक कितने संदिग्ध लोग हैं जिनको? अभी नहीं, डीएम साहब से बात कीजिएगा। नहीं, फिर भी थोड़ा सा सिविल सर्जन है। नहीं नहीं नहीं, जो रखिए। चलिए, सिविल सर्जन है, हालांकि ये कुछ नहीं बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि सिवान के डीएम से बात कीजिएगा। जाहिर तौर पे इन्हें बताना चाहिए मीडिया से कि कितने संदिग्ध हैं, कितने लोगों को जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन अब तक इस सिविल सर्जन कुछ डिटेल जानकारी मीडिया को देने से घबरा रहे हैं, और वो मीडिया को देखते ही थोड़े से सवालों का जवाब दिए, फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर और निकलते गए। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सड़कों पे जो लोग निकल रहे हैं उन्हें अपने घरों में अपने परिवार के साथ बिताना होगा। जिस तरह से पीएम मोदी ने एक निर्देश जारी किया कि कोरोना से अगर बचना है तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें और घरों में रहें, बाहर ना निकलें। हमारे सहयोगी गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।